लोग घूमने तो कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन जब बात प्रेतवादी जगह की आती है तो तुरंत मना कर देते हैं। लेकिन जिनका मनोबल मजबूत होता है वो लोग ऐसी जगहों पर एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे घर की बात करने वाला हूँ जिसकी कहानी काफ़ी खौफनाक है, तो चलिए जानते हैं। स्पेन का कासा एन कांटेडा सबसे डरावना घर माना जाता है। इस घर की कहानी ऐसी भयानक है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इस हंटेड हाउस को कॉर्टिजो जुराडो के नाम से भी जाना जाता है। ये घर स्पेन के एंडलुसिया के सबसे धनी परिवारों में से एक मैलागा के परिवार द्वारा खरीदा और बनाया गया था। ये घर भव्य कृषि उद्यम बनाने के लिए खरीदा गया था। साल 1850 से इसकी कहानी शुरू होती है, जब इस घर में प्रेतवादित घटनाएं घटने लगी। कासाएन कांटेडा में रहस्यमय ईसाइयों को घूमता देखा गया है। घर में रोशनी भी दिखाई देती और अचानक गायब हो जाती थी। चीजें अपने आप हिलने लगती थी और फिर गिर जाती थी। अजीब से शोर सुनाई देते थे। अब इस हंटेड हाउस की कहानी आसपास फैल गई थी। लोगों को ऐसा लगता था कि ये काफ़ी पुराना घर है, इसीलिए इस घर में गंभीर अपराध और यातनाएं हुई है। वर्ष 1925 में जुराडो परिवार ने इस संपत्ति को खरीद लिया था। ऐसा माना जाता है कि परिवार के कई लोग साथ मिलकर 18 से 21 साल की लड़कियों का अपहरण किया करते थे, जिसके बाद उस लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्याएं कर उन्हें हवेली में ही दफना दिया जाता था। उस समय इस जगह से कई लड़कियां गायब हुई थी, पर कोई ये साबित नहीं कर पाया कि इसके पीछे हेरेडिया परिवार का हाथ है या नहीं। हर रात यहाँ पर इन मासूम लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। वो अपने इंसाफ के लिए चिल्लाती है और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए घूमती फिरती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लगातार ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन पर जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।